हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करेंगे एसएनसी वेब के और रेगुलर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवेंथ नाइन्थ सेमेस्टर, इन सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करके दिसंबर एग्ज़ाम 2024 के लिए आप इनरोल करा सकते हो। अब मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन विंग की इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट के आने के बाद आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पे आ जाना है। फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहला वाला नोटिस आपको डाउनलोड कर लेना है, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में समझते हैं कि नोटिस में लिखा क्या है, नोटिस में क्या चीज़ है। ये नोटिस आप देख सकते हो, ये 20 सितंबर 2024 को जो है रिलीज़ करा गया है नोटिफिकेशन, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में अभी हम बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है और क्या चीज़ें गाइडलाइंस हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मैं दोबारा बता दूं, ये सिर्फ रेगुलर और एनसी वेब स्टूडेंट्स के आए हैं। जो बच्चे एसओएल से हैं, डीयू से हैं, जो एसओएल डीयू के बच्चे हैं, तो उनके रेगुलर अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं। सिंपल सा बता दिया, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एसओएल ड्यू का है वो देख रहा है, तो अभी आपके फॉर्म नहीं आए हैं। आप अपना वेट करिए, जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वीडियो एक सेपरेट बना के बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया है साफ साफ कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म लिखा है फिलिंग अप एग्ज़ामिनेशन फॉर रेगुलर एंड एनसी वेब स्टूडेंट्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं? तो सर इसमें ये सेमेस्टर के अपीयर हो सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से हो, थर्ड से हो, फिफ्थ से हो, सेवन्थ से हो या फिर आप नाइन्थ से हो। सेवन्थ और नाइन्थ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्स स्टूडेंट है, मतलब कि जिनका 2022 से पहले किसी सेमेस्टर में बैक आई है, ईयर आई है, जैसे 2019 में, 2020 में, 2021 में, तो वो लोग यहाँ पे अपीयर होंगे और उनके यहाँ पे एक्स स्टूडेंट के लिए सेवन्थ और नाइन्थ लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी ये जो नए सेमेस्टर के बच्चे हैं 2022 के बाद के हैं और 22 के हैं, NEP के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो इनके लिए रेगुलर एनसी वेब ने फॉर्म रिलीज़ करे हैं, ठीक है बेसिकली। अब यहाँ पे हम पहले ये बात कर लेते हैं कि भैया लास्ट डेट क्या रहने वाली है एग्जामिनेशन सबमिशन की। इसमें अगर दे रखी है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है स्कीम ऑफ एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म टू बी हेल्ड बाय दिसंबर। ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है अभी आपको लास्ट डेट बताई है इन्होंने 20-10, ठीक है, मतलब कि 20 अक्टूबर और रात को 11:55 तक आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सितंबर 20 को फॉर्म रिलीज़ हुआ है, पूरा एक महीने का टाइम है, एक महीने में आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म किसी भी डेट पे फिलअप कर सकते हो। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जिससे अभी आया है तो एक हफ़्ता रुक के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करो, क्योंकि इसमें काफ़ी बात बच्चों की हो जाती है कि फ़ीस डिडक्ट हो गई बट कंफर्मेशन का कोई मेल नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन का कुछ भी नहीं आ रहा है, रिसिप्ट नहीं जनरेट हो रही, कभी सब्जेक्ट नहीं शो कर रहे, तो बहुत सारे ग्लीचेस आते हैं। तो आप 25 सितंबर के बाद एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा। 5 दिन रुक जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक महीना है पूरा आपके पास, ठीक है, और अपना पेमेंट वगैरह का जुगाड़ इतने में आप कर सकते हो जिनके अभी नहीं है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट को इस पोर्टल पे जाना है slc.uod.ac.in। इस पोर्टल का लिंक आपको पहले यहाँ से कॉपी करना है, फिर आपको गूगल पे पेस्ट करना है, फिर वहाँ पे जाके आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, सिलेक्ट करना है प्रोग्राम, आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, इनरोलमेंट नंबर लगाना है। इनरोलमेंट नंबर देखो, अगर जो नए बच्चे हैं जो अभी NEP में इस साल जिन्होंने सेमेस्टर वन में एडमिशन लिया है NEP में, जो NC वेब और रेगुलर के हैं, तो उनके पास तो होगा नहीं, तो वो इनरोलमेंट नंबर की जगह ब्लैंक छोड़ के अपना फॉर्म अप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जब उनको इनरोलमेंट नंबर मेल के थ्रू आ जाएगा या SMS के थ्रू आ जाएगा, तब आपके आगे वो प्रोसीजर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपका जैसे ही सबमिट होगा, आपको आपके एक मेल पे OTP सेंड होगा या आपके नंबर पे OTP सेंड होगा। ईमेल ID और मेल जो नंबर है आपका, फ़ोन नंबर, वो वही डालना जो करंट में यूज़फुल जो चल रहा है, ठीक है, उसी से आपको लॉगिन करना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डिटेल्स। और नीचे आपको एक चीज़ और दे रखी है, वो छोटी सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटिस है SOL के लिए।
जो SOL और DU के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनका नोटिस लिखा है कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म आते ही सेपरेट उनकी साइट पे बता दिया जाएगा। तो अब आपको वेट करना है, आपका नोटिस मैं बता दूंगा जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होता है। पहले चलते हैं साइट पे और थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस SLC की साइट पे, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है कॉपी पेस्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है, सारा कुछ इसी से होगा, रिजल्ट भी चेक इसी साइट से होगा, एग्जामिनेशन भी इसी साइट से होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के उनको पता है, जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन लो, इसी लिंक पे आपको हर चीज़ मिलेगी आगे जाके, ठीक है। इसको याद रखना और अपना मेल और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो है वो अपना एक सेम रखना। तो अभी आ चुके हैं slc.uod.ac.in, इस साइट से आपको अपना एग्जामिनेशन कंफर्मेशन और अपना आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, मतलब इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि देखो उनको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर तो होगा नहीं, ना उनके पास ऐसा पासवर्ड पहले उन्होंने जनरेट कर रखा है। ये उसके लिए है जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, वो सीधा डिटेल्स डाल के लॉगिन करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो, आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर से और पासवर्ड भूल चुके हो, तो आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। और जो नए स्टूडेंट हैं NEP सेमेस्टर 1 की, वो प्लीज़ ग्रीन कलर के न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे ही क्लिक करें, ठीक है, जो पहली बार फॉर्म सबमिट कर रहे हैं इस साल, ठीक है। अब आपको क्या करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे बैचलर ऑफ वोकेशनल, ये मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया दिखाने के लिए। नीचे आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है ID कार्ड वगैरह में, ठीक है। फिर नीचे आपको मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपको अगर दे रखा है तो डाल देना, वैसे नहीं है तो एग्जामिनेशन का रोल नंबर आप डाल सकते हो। यहाँ पे एग्जामिनेशन का रोल नंबर डालोगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद ये कैप्चा है, यहाँ पे आपको डाल के इसको सबमिट करना है, फिर आगे आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। आपके आगे पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आपके सब्जेक्ट और अपनी डिटेल्स वगैरह शो करेगा कोर्स की, वहाँ से आप आगे नेक्स्ट करके चीज़ों को पढ़ के सब्जेक्ट देख के कौन से आपको मिल रहे हैं आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये थी डिटेल्स और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, जब आप ये पूरा सबमिट करोगे ना तो इसके बाद आपको ये OTP आएगा एक ईमेल पे, जो भी आपने ईमेल दिया होगा उस पर OTP आएगा। OTP जैसे ही आएगा तब आपको वो कन्फर्मेशन भी करना है। उसके बाद आपका मेल ID और पासवर्ड याद रखना भाई, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये है पूरा प्रोसेस, अब जाके अपना फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लो, एडमिशन आप ले सकते हो अपना, फटाफट ले लो। बट अभी रुक जाओ, 25 के बाद कराना, अभी मत जाओ भाई, ठीक है, 25 के बाद बात कराना। और SOL का आती आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को SOL के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।